Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hopefully, you all Lecture number thirty-seven, grade eight, sections are A, B, and C. Subject is chemistry, unit number three, topic is ionic e compound. So let's start with lecture number thirty-seven. Recap: In the last lecture, we studied about the long question number one of unit number three. objective in this lecture we will study about long question number 2 of unit number 3 drill word first drill word is sodium sodium is a type of metal ye ek kisam ki metal hoti hai white color mein hoti hai crystals ki shakal mein hoti hai next one is sodium chloride Sodium chloride जो होता है ये common salt होता है जिसे हम खाने का नमक कहते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए नेक्स्ट वन इज़ क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ केमिकल कोई भी केमिकल जिसको हम सॉलिडिफाई करते हैं जिसको हम ठोस शक्ल में लेके आते हैं उसका पानी वहाँ से एवेपोरेट करवा के तो वो एक क्रिस मतलब एक सख्त नकीली सी शक्लों में शक्ल में आ जाती है तो वो क्रिस्टल्स कहलाते हैं सिंपल फॉर्म इसकी आप देखना चाहें तो शुगर जो होती है या सॉल्ट होता है उसको आप देखिए शुगर की ज़्यादा क्लियर आपको क्रिस्टल्स नज़र आते हैं द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम किसे कहते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स वो फोर्स जो अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है करीब लाती है या फिर दूर करती है तो लास्ट सेक्शन में बेटा हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन जो था इस चैप्टर का वो स्टार्ट किया था और आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर टू देखना है ये क्या है वट आर द आइनिक कंपाउंड्स आइनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं एक्सप्लेन विद एग्जांपल आपने इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है तो आइनी कंपाउंड के बारे में आप लोग कंप्लीट लेक्चर ले चुके हैं इसके एग्जांपल्स भी आप लोगों ने देखी हुई हैं तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अगर ये आए तो आपने उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है तो सबसे पहले आप आइनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखेंगे उसकी हेडिंग देंगे द कंपाउंडस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू एन अदर आर कार्ड आइनी कंपाउंड वो कंपाउंड जो तब बनते हैं जब एक आइटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे ऐटम को दे देता है तो उनके दरम्यान एक लिंक बन जाता है एक बोन बन जाता है इस तरह से बनने वाले कंपाउंड जो होते हैं उनको हम आइनी कंपाउंड्स कहते हैं क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो साथ साथ आप आयनिक बॉन्ड को भी डिफाइन कर देंगे आप हेडिंग कि आयनिक बॉन्ड की द एटम्स प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड आर पुल्ड क्लोज टू ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉल्ड आयनिक बॉन्ड अभी हम जिस लिंक की बात कर रहे थे कि वो लिंक जिसके ज़रिए आयनिक कंपाउंड में मौजूद एटम एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं पुल्ड हुए हुए एक दूसरे की तरफ उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे ठीक है नेक्स्ट आप हेडिंग लेंगे सोडियम एंड क्लोराइन क्लोरीन या एक्चुअली आप उसके एग्जांपल आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं तो इसमें क्या होता है सोडियम इज़ आ रिएक्टिव ग्रे मेटल हमें पता है कि सोडियम एक रिएक्टिव बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है पानी के साथ अगर इसको रिएक्ट कराया जाए तो धमाका हो जाता है ग्रे कलर की मेटल होती है क्लोरीन इज़ अ स्मेली पॉइजनस गैस और जो क्लोरीन होती है ये स्मेली होती है यानी इसकी स्मेल होती है और ये जहरीली गैस होती है पॉइजनस होती है वन दे रिएक्ट क्लोरस जब रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर लोस्ड बाय सोडियम सोडियम इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देती है निकाल देती है एंड गेंड बाय क्लोरीन। वो जो सोडियम इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी उसको गेन कौन कर लेता है क्लोरीन, मतलब ले कौन लेता है क्लोरीन। एज अ रिज़ल्ट इसके नतीजे में दे फॉर्म वाइट क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड साल्ट एक साल्ट बन जाता है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं और वो वाइट क्रिस्टल्स की शक्ल में आ जाता है ठीक है सिंपल सी बात हो रही है सोडियम जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेती है एक बॉन्ड बन जाता है जिसे माइनिंग बॉन्ड कहते हैं और साल्ट बन जाता है सोडियम क्लोराइड जो कि आपको वाइट क्रिस्टल्स की शक्ल में मिल जाता है अब बात आती है डायग्राम की बेटा इस लॉन्ग क्वेश्चन में ये डायग्राम ही बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है अगर आप इसको नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझ के बनाना है तो देखिए लेफ्ट साइड पर आपको सोडियम शो की गई है राइट साइड पर ब्लू कलर में आपको क्लोरीन शो की गई है तो सोडियम को पहले हम देखते हैं उसमें आपको तीन शेल दिखाई गए हैं मतलब तीन दायरे दिखाए गए हैं ठीक है पहला वाला जो शेल है उसमें टू क्रॉस आपको ये शो कर रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है दूसरे वाले दायरे में आपको एट क्रॉस ये शो कर रहे हैं कि एट इलेक्ट्रॉन हैं और लास्ट वाले दायरे में बस एक ही क्रॉस है यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो जो एक ही है वही रिएक्ट करेगा सही हो गया देखिए नीचे लिखा हुआ है सोडियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा पॉजिटिव सोडियम आइंस फॉर्म और एक पॉजिटिव सोडियम आइन बन जाएगा अब देखिए राइट साइड पे क्लोरीन की तरफ इसमें भी तीन शेल हैं मतलब तीन दायरे हैं जो पहला दायरा है उसमें आपको दो डॉट ये शो कर रहे हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं टू अगर आपको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है ना तो उसमें हमने पढ़ा था कि पहले शेल में बस दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दूसरे शेल में आठ आ सकते हैं ठीक है और इस तरह से बढ़ते जाते हैं अब देखें दूसरा वाला जो शेल है इसमें एट इलेक्ट्रॉन्स हैं तीसरे वाले शेल में शेल सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है तो टोटल कितने हो जाएंगे देखें येलो कलर में आपको सेंटर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है सेवनटीन प्रोटोन है सोडियम में इलेवन प्रोटोन्स हैं तो ये क्या करेगा क्लोरीन एटम गेंज एन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा सो नेगेटिव क्लोराइड आयन फॉर्म और इसके रिजल्ट में एक नेगेटिव क्लोराइड आयन बन जाएगा देखिए नीचे नेगेटिव आपको शो हो रहा है सोडियम ने अपना दे दिया है क्रॉस वाला क्लोरीन ने उसे रख लिया और इस तरह से वो आयन की शक्ल में आ जाते हैं सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और कलर इन पर आ चार है तो ये डायग्राम आप लोगों ने बनानी है और होपफुल आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा बाकी क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने हेडिंग्स के साथ नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ नोटबुक पर नोट, नोट डाउन करना है और उसको लर्न करना है और डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ओके अल्लाह हाफिज़